सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में देखिए, बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट के बारे में कि जिम जाने वाले बंदों के लिए सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है और ज़रूरी है भी या नहीं, उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट देखिए, एक ऐसी चीज़ है जो आपको डाइट से अगर पूरा नहीं मिल पा रहा, आपका पोषण है जो भी, तो अगर उसकी जगह हम रिप्लेस मील कोई ले रहे हैं तो वो हमारे लिए सप्लीमेंट है। जो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, जिसमें हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फैट, कार्ब्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, इन सब की जो अगर कोई पूर्ति कर रहा है जो कि हमारी डाइट से पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट वगैरह जो लेने पड़ते हैं। तो देखिए आप लोग, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो भी आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, बॉडी बनती है, और अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो भी आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। अब देखिए, अगर आपको अपनी डाइट से सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर ये सब पूरी तरीके से, अमीनो एसिड वगैरह है, ये सब अगर पूरी तरीके से अगर आपकी डाइट से आपको मिल रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी अलग से सप्लीमेंट लेने की रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से किसी प्रकार का बाहर से जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट है वो आप लें। अगर आपकी न्यूट्रिशन आपकी डाइट से पूरा हो रहा है तो आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट ऐसी है, ऑफिशियल आप वर्क वगैरह करते हैं जिसमें आपको पूरे दिन में आपको खाना पीना है, जो नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन आपका पूरा नहीं होता है, तो ऐसी जगह आपको जो है अपने डाइट में अलग से सप्लीमेंट ऐड करने की रिक्वायर होती है। कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हमें फूड से इतनी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं जो हमारे लिए पर्याप्त हो, जैसे क्रिएटिन या प्री वर्कआउट। तो ये ऐसे सप्लीमेंट हैं जो हमें अलग से ही बाय करके बॉडी को इंटेक करने पड़ते हैं। तो आप ये जो सप्लीमेंट हैं, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट, इन दो के अलावा आप किसी भी प्रकार का अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो वो उसी स्टेज पे आप लीजिए जब आपकी डाइट से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी वीडियो के एंड में देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो बिगनर्स हैं उनके लिए मोस्टली, कि पेशेंस रखिए। बॉडी एक दिन का खेल नहीं है, इसमें सालों बीतते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग बहुत ही पेशेंस का खेल है, इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसको टाइम पूरा देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्राउड फील होगा अपनी बॉडी के ऊपर। इसके लिए आप पेशेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में बॉडी नहीं बनती है, इसमें साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल लोग इसमें लगे हुए रहते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। और शॉर्टकट इसका कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट आप यूज में ले रहे हैं तो आज वो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। ये किसी और के साथ धोखा नहीं है, ये फ्यूचर आपका आप अपने आप ख़राब कर रहे हैं। इसलिए संयम रखिए, आराम से धीरे 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 इसमें ग्रोथ लाइए, और इस बॉडी को जितना डेवलपमेंट होने के लिए आप समय देंगे उतना ही स्ट्रक्चर बढ़िया निकल के आएगा। क्योंकि देखिए, कोई देखे इसको तो वो इसकी प्रशंसा करे, ऐसा नहीं कि ये एक बार तो आप अच्छा बन गया, ठीक है, लेकिन उसके थोड़े समय बाद में इसकी ऐसी दुर्गति हो जाए कि आपको खुद को देख के इसको शर्मिंदा होना पड़े। तो चलिए, आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।